हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये न्यू प्रैक्टिस का 25वां सेट है। जैसा कि मैं एमपी वर्ग 2, वर्ग 3, यूपी टीजीटी पीजीटी एंड यूपी एलटी ग्रेड एंड बीपीएससी टीआरई 4 एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन डेली बेसिस पर करा रही हूँ, और आप डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए, सभी प्रकार की तैयारियाँ संभव हो जाएंगी। और थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी प्रकार के थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज दिया गया है। और दोस्तों, इसी प्रकार हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो भी ज़रूरतें होंगी आगे में, हाँ, जितना हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकेगा उतना हाई लेवल का रखूँगी। लेकिन जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जैसा मैं करा रही हूँ डेली बेसिस पे, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़रूर आप डेली बेसिस पे देखिए। अब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जैसे ही उसका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस मैं लाना शुरू कर दूंगी उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, आप सबको पता है यह क्रिकेट से संबंधित है। यह सीमित ओवरों की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता है। देवधर ट्रॉफी का आरंभ 1973-74 में हुआ था। इसके अलावा क्रिकेट में पुरुषों के लिए रणजी ट्रॉफी है 1934, महिलाओं के लिए पद्मा ट्रॉफी है क्रिकेट में, अंडर 19 SGFI सीके नायडू ट्रॉफी, अंडर 19 ओपन में कोच बिहार ट्रॉफी, अंडर 16 SGFI बीनू मोंकर ट्रॉफी, अंडर 15 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रोहिंगटन बारियर ट्रॉफी, ठीक है। उसके अलावा आपका विजय ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एशिया कप एंड बिन्नू माकौर ट्रॉफी, स्कोर ट्रॉफी, पेप्सी कप, कोका कोला ट्रॉफी, हेवर्स कप, ये सभी जो है क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग? तो दोस्तों, बास्केटबॉल जो रिंग होता है, टोकरी, उसका जो व्यास होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर होता है। बास्केटबॉल ग्राउंड की लंबाई जो है 28x15 मीटर होती है, और उसके इंडोर की छत की ऊंचाई जो है 7 मीटर होती है। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बता दी थी, जैसे कि वॉलीबॉल का इंडोर गेम का जो छत होता है 12.5 मीटर होता है, और बास्केटबॉल का 7 मीटर, और जो बैडमिंटन का होता है वो 9 मीटर होता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पे सभी मेजरमेंट आपको अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? आप सबको पता है दोस्तों, मैराथन दौड़ की जो दूरी है वह 26 मील 385 गज यानी कि 42.195 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिसमिसल भाग है, डिसमिसल इज ए पार्ट ऑफ किसका है? दोस्तों, सबसे पहले हम एकत्रीकरण करते हैं, फिर हम वार्मिंग अप कराते हैं, फिर स्पेशल गेम कराते हैं, फिर मनोरंजक गेम कराते हैं, उसके बाद डिसमिसल कराते हैं। ये सभी पार्ट योजना यानी कि लेसन प्लान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद है, लैक्टिक एसिड इज बायो प्रोडक्ट ऑफ। तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का उप उत्पाद क्या होता है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे होगा नहीं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवायवीय उपापचय, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिससे ग्लूकोज का जारण तीव्र होने लगता है, परंतु फेफड़े इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते, अतः अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी अवायवीय उपापचय के फलस्वरूप ग्लूकोज के अधूरे जारण से पेशी तंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। ये स्प्रिंट प्रकार के दौड़ों एंड जो अनएरोबिक एक्टिविटी होती है, जैसे स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं उसमें होता है, लंबे समय की क्रियाएँ के लिए जो सहनशीलता एंड्योरेंस में होती है वो उसमें लैक्टिक अम्ल इतना सक्रिय नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस लोकेटेड? तो ये है दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, बूस्टर संबंधित है। तो दोस्तों बूस्टर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बूस्टर शब्द जो है वह खेल शब्दावली है वॉलीबॉल से रिलेटेड। किससे है? वॉलीबॉल से रिलेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वॉलीबॉल से रिलेटेड बूस्टर शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, और आधुनिक वॉलीबॉल खेल का आविष्कार एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में किया था। और वॉलीबॉल से रिलेटेड और शब्दावली जैसे कि स्मैश, स्पाइकर, रोटेशन, डबल हिट, ब्लॉकिंग, वॉली पास, वॉली, डिग पास, स्विच, ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव, डिग, नेट फॉल, नेट बॉल, फ्लोटर, सर्विस, पावर सर्व, हुक सर्व आदि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी? तो दोस्तों व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों। क्योंकि दोस्तों जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं कोशिका में, न्यूक्लियस में, उसमें जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और डीएनए से जीन का निर्माण होता है जो वंशानुक्रम विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, जब हमारा रंग रूप आकार बॉडी टाइप्स ये सभी हमारे जीन से आते हैं वंशानुक्रम से, लेकिन उसकी क्षमताओं को विकसित करने का और उसको अवसर देता है, उसको पूर्ण बनाने का इन्वायरमेंट देता है। इस प्रकार एक पर्सनालिटी के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से कौन एक एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला। ठीक है, यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं सभी विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं, बट आंवला सबसे बढ़िया स्रोत है। क्वेश्चन नंबर दस है, बैडमिंटन को एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों बैडमिंटन को एशियाई खेलों में सबसे पहले सम्मिलित किया गया 1962 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुआ, जबकि भारत इस संघ का सदस्य 1938 में बना। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाला बात है कि बैडमिंटन को एशियाई खेलों में सबसे पहले शामिल किया गया 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया में, जबकि बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1912 में बार्सिलोना स्पेन में, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंत्र ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड एंड हैजा मतलब कोलेरा, और विच टाइप ऑफ डिजीज? दोस्तों ये दोनों के दोनों पानी जनित रोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं आंत्र ज्वर को हम टाइफाइड, मियादी बुखार, मोतीझरा आदि नामों से जानते हैं। ये साल्मोनेला टाइप ही और एवेस्थेला टाइप ही नामक बैक्टीरिया से फैलता है और यह आंत यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसमें ज्वर, दुर्बलता, आंतों में छेद आदि इसके लक्षण होते हैं। जो हैजा होता है कॉलेरा, ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह हमारे आंत आहार नाल को प्रभावित करता है, ओमेटिंग और दस्त इसके लक्षण होते हैं, और ये दूषित पानी पीने से या भोजन करने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है? दोस्तों ये मस्तिष्क की सतह में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, इन द सरफेस ऑफ द ब्रेन, जो सभी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड या प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग? तो दोस्तों पेशाब से प्रतिदिन जो है पानी खर्च होता है आपका 1.5 लीटर यानी 1500 ml यानी कि मिलीलीटर। जैसे कि जो पेशाब जो यूरिन बनाने का कार्य करता है नेफ्रॉन यानी कि ब्रिक यानी किडनी में होता है, नेफ्रॉन का जो ब्रिक यानी किडनी नलिका में रुधिर से छन कर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थ
के मिश्रण को हम यूरिन यानी मूत्र कहते हैं। और इसका जो हल्के पीले रंग का होता है, ये हल्के पीले रंग इसका जो रंग होता है यूरोब्रोम के कारण होता है। तो इस प्रकार 24 घंटे में लगभग 1500 लीटर यानी 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो एडल्ट हार्ट अप्रॉक्सीमेटली जो वेट होता है वो आपका 250 से 300 ग्राम होता है, जबकि एक एथलीट हृदय 500 ग्राम का हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो 260 से 300 ग्राम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिला भाला का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भाला शब्द हो गया है दोस्तों, भाला यहाँ पे होगा, ठीक है, भाला यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे जेवलिन लिख के नहीं आया है, इसको जेवलिन बोलेंगे, ठीक है। तो महिला भाला का वजन होता है 600 ग्राम और पुरुष भाले का वजन होता है 800 ग्राम। और महिला पुरुष भाले का जो लंबाई होता है 260 से 270 सेंटीमीटर और महिला भाले का जो लंबाई होता है 220 से 230 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपको पता है कि पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से रिलेटेड है। एंड जो पेनाल्टी कॉर्नर हिट के लिए जो है, गोल पोस्ट से दोनों तरफ आप देखे होंगे मैदान में कि 5 गज और 10 गज की दूरी पर दो गोल चिन्ह होते हैं। और गोल पोस्ट के ठीक सामने 7 गज की दूरी पर पेनाल्टी स्पॉट होता है, यानी 6 इंच ब्यास वाला, वहीं से आपको पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो दोस्तों, 90 मिनट का होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ और 15 मिनट का मध्यांतर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में किया था। हॉलीहॉक YMCA व्यायामशाला के शारीरिक निदेशक विलियम मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, बेसबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो आप सबको पता है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है राष्ट्रीय खेल। या तेरीस क्रिकेट और फुटबॉल की भांति बेसबॉल के खिलाड़ियों के असंख्य दीवाने हैं लोग। और संयुक्त राज्य अमेरिका में के समाचार पत्रों में बेसबॉल के समाचारों को अन्य खेलों की अपेक्षा अधिक सुर्खियों में प्रकाशित किया जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। द प्लेस वेयर ए बॉक्सिंग इज डन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, उसे हम रिंग कहा जाता है। बास्केटबॉल जिस मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे रिंग कहा जाता है। और मुक्केबाजी का जो बॉक्सिंग का जो रिंग होता है उसकी माप जो वर्गाकार होता है, इसलिए 20x20 फीट का होता है। कितना होता है? 20x20 फीट का माप होता है। और इसमें कुल 21 नियम होते हैं। रिंग का आकार 20x20 फुट चौकोर वर्गाकार होता है, याद रखिएगा। और जो रिंग की ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ रिंग, 100 सेंटीमीटर यानी 3 से 4 फीट होता है। इसके बारे में जानने के लिए आप बॉक्सिंग वाले वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया। हु कोइन्ड द टर्म ऑक्सीजन डेप्ट। तो दोस्तों, ऑक्सीजन डेप्ट यानी कि ऑक्सीजन कर्ज का जो आविष्कार है AV Hill ने किया, आप सबको पता है। तो क्या होता है कि सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का बहुत खपत बढ़ जाता है और अधिकांश ATP जो है ADP में बदल जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों में ATP जो है ऊर्जा के रूप में होता है, तो जब हम सक्रिय कार्य करने लगते हैं तो ATP बदल जाता है, अतः ग्लूकोज का तीव्र जाड़ा होने लगता है। परंतु फेफड़े इसके लिए अब ऊर्जा बनता कैसे है? ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अतः ग्लूकोज तीव्र जाड़ा होता है, परंतु फेफड़े इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाती। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अधूरा जाड़ा होने लगता है और इससे पेशी तंतु में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है और व्यक्ति का सांस फूलने लगता है। इसी दशा को जो उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन उसको नहीं दे पाता है,
इसी दशा को ऑक्सीजन रेट कहते हैं। इसका आविष्कार ए बी हिल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ, पांव और पैर में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। तो दोस्तों ये अस्थियां कहलाती हैं जो जोड़ों के आसपास कंडरा में पाई जाती हैं, उस अस्थि को हम कहते हैं सीसामोइड बोन। कौन सा बोन कहते हैं? सीसामोइड बोन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडरास्थियाँ या सीसामोइड बोन। जैसे कि दोस्तों आकार और आकृति के आधार पर अस्थियों को जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है पांच भागों में किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसामोइड बोन। लॉन्ग बोन जैसे लीवर का काम करता है, हाथों पैरों जैसे कि लंबी हड्डियाँ जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अनलॉन्ग फीमर, टिबिया, फिबुला होती है। एक खोखला भाग होता है अंदर जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, जिसके अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है जिसमें रक्त का निर्माण होता है। एक खोखली होती है जिसे अधिक बोझ उठाती हैं, हल्की होती हैं। दूसरा होता है शॉर्ट बोन जो कार्पस और टार्सस, जो हमारी कलाई को टकने की हड्डियाँ होती हैं कार्पस और टार्सस, और ये संबंधित अंगों को ताकत प्रदान करती हैं। और तीसरा है फ्लैट बोन जो चपटी होती हैं, चौड़ी, ये जो जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है जैसे कि हमारा कपाल, पसलिया, इसके पुला चपटी अस्थियाँ पाई जाती हैं। चौथा होता है इरेगुलर बोन, बिरौल अस्थियाँ जैसे चेहरे की और रीढ़ की हड्डियाँ हो गई। और पांचवा होता है सीसामोइड बोन यानी कि कंडरा अस्थियाँ जो कंडरा में विकसित यानी जोड़ों के आसपास विकसित होने वाला, जैसे कि पटेला हमारा जो घुटने का हड्डी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोनेट लवण भाग लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संक्रामक रोग निम्न से किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों इन्फेक्टियस डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? दोस्तों फिजिकल, सोशल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे फिजिकल, सेक्सुअल, ओरल, यानी कि शारीरिक, लैंगिक, मौखिक रूप से फैलता है बट सामाजिक रूप से नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे कि संक्रामक रोग मुक्त, जैसे कि प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक संपर्क से जैसे छूने से स्टेफिलोकोकस फैलता है, शारीरिक संबंध से गोनोरिया, HIV और मौखिक संपर्क से हेपेटाइटिस ए आदि फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुसंधान होता है की अवधि कितनी होती है? एक पट एक अनुसंधान यानी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसाइडेड ऑफ वन बीट एंड वन डायस्टोल, यानी वन सिस्टोल और वन डायस्टोल में कितना समय लगता है? दोस्तों एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों हृदय वाले भाग को जरूर पढ़ लीजिए, मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हार्ट के बारे में डिटेल में अच्छे से बताई हुई हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन डिड स्कूल हेल्थ सर्विस स्टार्ट इन इंडिया? तो दोस्तों वह हुआ 1909 में बड़ौदा में। कहाँ पे हुआ? 1909 में भारत के बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की गई, जिसके तहत बड़ौदा के स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार यानी आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो मशीनों द्वारा पानी वाले खेलों में ज़्यादा किया जाता है उसे हम आइसोकाइनेटिक संकुचन होता है। उसमें किस प्रकार का संकुचन होता है? आइसोकाइनेटिक, जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियाँ होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक मतलब आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, जिसकी खोज 1953 में हेटिंगर मुलर ने किया था। तो सेम लंबाई यानी कि पेशियों की जो लंबाई हो चेंज नहीं होती, कोई गति दिखाई नहीं देता, सेम लंबाई होता है, जैसे दीवार को धक्का देना, ठीक है, धकेलना। और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक, जिसकी खोज ली डोरे ने 1954 में किया था। और आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव, यानी पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है, जैसे कि डंबल अभ्यास ऊपर की तरफ लाते हैं तो कम होती है जिसे हम कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं, और नीचे की तरफ लाते हैं तो पेशियाँ लंबी होती है जिसे कि इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। आइसोटोनिक के अंतर्गत कलेस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बॉल थ्रो आदि आता है। तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसको 1968 में जेम्स पेराइन ने खोजा था। आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति होती है, या मशीनों की सहायता से किया जाता है पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग, स्विमिंग, नाव खेना आदि में।
तो यहाँ पे आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चपटी पीठ का संबंध किस भाग से है, यानी फ्लैट बैक इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों चपटी पीठ का संबंध जो है वह थोरेसिक यानी कि थोरेसिक भाग से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, विच इज द हाइएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये तीनों खेल से पुरस्कार से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो जो ऑप्शन खेल से रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार पहले था, ठीक है, जब राजीव गांधी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 91 में हुआ था, तो 91 से पहले जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार था, ठीक है। उसके बाद जब 91 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरू हुआ तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार माना गया, लेकिन 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब वर्तमान में भारत में खेल में सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत 91 में, उसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत, वर्तमान में 15 लाख धनराशि। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ और वर्तमान में 15 लाख धनराशि दिया जाता है। लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार अचीवमेंट के लिए जो 2002 से शुरू हुआ, जिसमें 10 लाख धनराशि दिया जाता है। एंड उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, महाकर ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुआ, जिसे 15 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, विच इज नॉट ए इनेट मोटिवेटर। तो दोस्तों प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक जन्मजात एक अर्जित। तो जन्मजात होते हैं जैसे कि भूख, प्यास और नींद, ये तीनों जन्मजात प्रेरक हैं, बट जो है आदत जो है ये हम जन्म के बाद सीखते हैं, अर्जित हम करते हैं, इसलिए अर्जित प्रेरक है, जन्मजात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है, विच इवेंट इज नॉट ए वुमेन्स जिम्नास्टिक्स। तो दोस्तों जैसा कि जिम्नास्टिक जो है में जो जिम्नास्टिक होता है वो पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स और महिलाओं के लिए 4 इवेंट्स, जिसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, जिम्नास्टिक का कई सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाकर देखिए। तो पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स जिसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ था, रुपवा, हाफ लोफा, रूसे, रोमन रिंग, पसी, पैरल बार, वहाँ से वाल्टिंग हॉर्स, हॉर्स से हॉरिजॉन्टल बार, फ्लो से फ्लोर, पास से पामेल हॉर्स, ये 6 इवेंट्स हो गए पुरुषों का। और 4 इवेंट महिलाओं के लिए मैंने बनाया था फॉ सी वी का मतलब फॉ से फ्लोर, वा से वाल्टिंग हॉर्स, सी से सिमेट्रिकल वार या अनइवन बार, और वे से बैलेंसिंग बीम। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, ठीक है, एंड वाल्टिंग हॉर्स, ये तीनों के तीनों महिला इवेंट से संबंधित है जिम्नास्टिक के, बट पामेल हॉर्स नहीं है, पामेल हॉर्स पुरुषों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है, हु ऑर्गेनाइज द एशियन गेम। जैसे कि संसार में जो होता है आपका ओलंपिक खेल, उसको आयोजित कराता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसी प्रकार एशियाई खेल का आयोजन कराता है OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। कौन कराता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था, हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय कुवैत के शहर हवाली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता। तो दोस्तों जो स्प्रिंट दौड़ें होती हैं, जो 100, 200, 400 मीटर दौड़, उसमें क्राउच स्टार्ट होती है, जिसमें आपका 3 कमांड दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क सेट एंड गो। ऑन योर मार्क्स करते ही वहाँ पे जो क्राउच होता है यानी बैठ का स्टार्ट, जिसमें हाथों को जमीन पर टच करना होता है,
जो ही आने और मास कहेंगे, और सेट की जगह पूरा जो भार होता है हथेली पर हो जाता है, और गो यानी कि बंदूक का आवाज़ सुनते ही वो दौड़ने शुरू कर देता है। तो तीन कमांड होते हैं जो स्प्रिंट दौड़ो 100, 200, 400 मीटर दौड़ और 4 गुड़े 100 मीटर और 4 गुड़े 400 मीटर रिले रेस। इसमें धावक को हाथ से ज़मीन को स्पर्श करना पड़ता है, बट 400 मीटर की अधिक रेस में 400 मीटर की अधिक दूरी में नहीं करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 32 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।